चोरी के आरोप में बीती रात मिश्रिक पुलिस द्वारा युवक को पकड़कर बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद पुलिस घायल युवक को उसकी झोपड़ी के पास डाल गए, जहां इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। परिवारजनों का आरोप है कि मिश्रिक पुलिस चोरी के आरोप में 5 मार्च को पकड़ कर ले गई थी, जिसके बाद थाने में जमकर पिटाई की। नाजुक अवस्था में चुपचाप झोपड़ी पर डाल गए और अस्पताल ले जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। ये त्यागी बाबा वहाँ टहलने उधर निकले, ठेला लगाते हैं, चोरी किसी ने और किया। त्यागी बाबा ने फोन कर दिया पुलिस को, पुलिस ले गई यहाँ से उठा कर। रात में हम तो थे नहीं, हमारी बुआ खत्म हो गई थी, हम रात में कल सुबह आए तो लेकर गए। दिन भर पूरे तड़पे तो हम 1-2 बजे आए तो ये दर्द कहते थे, हम कैसे चोट लगी होगी। पुलिस वाले रात में डाल के चले गए इस आदमी के, हमरे पुलिस वाले मारी ने हमरे आदमी के। यहाँ शरीर पर कहीं पे निशान है? सब है, खून निकल रहा पूरे शरीर भरम, पीटी भरम पट्टा चले लगे हैं सब। गई क्या था नाम इतवारी? आपका नाम? रूपा। हम यहीं के हैं और गांव ससुराल बिजौली है, बिजौली है कुतुब नगर पास। कैसे घटित क्या है पूरा? परसों था दिनांक 5/3/2022 को शाम को रात्रि में 8 बजे एक सूचना थाने के एसआई को दी गई कि एक इतवारी गुप्ता नाम के व्यक्ति हैं जो ठेला चलाते शराब पीते हैं, वो धर्मदास बाबा के आश्रम के पास साइकिल चोरी कर लिए हैं और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया गया है। इस बात पे हमारे 2 आरक्षी वहाँ पे गए थे, जानकारी ये हुई कि साइकिल वहाँ से गायब हुई थी, बरामद नहीं हुई थी, लेकिन वहाँ से नेमचंद यादव, प्रकाश यादव, धर्मदास बाबा आदि लोगों ने उनकी पिटाई की थी, जिनमें उनकी हल्की फुल्की चोटें थी। उनको थाने पे लेके आया गया था, उनसे हल्की पूछताछ हुई तो जानकारी ये हुई कि वो वहाँ मौके पे आश्रम में गए थे, उन्होंने कोई साइकिल चोरी नहीं की है, बल्कि शंका बस उन्होंने उनके 1-2 थप्पड़ मार दिया था। उनको CHC भेजा गया, उन्हें कोई चोट जहरा नहीं थी, उन्होंने अपने को आराम से बताया और उन्होंने कहा मैं घर जाऊँगा, मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। इस बात को लेकर जो 2 आरक्षी उनको लेके आए थे उनको घर भेज दिए, ये जानकारी थाने के SHO लेवल पे नहीं आ पाई थी। जानकारी ये हुई कि कल रात में आकस्मिक रूप से लगभग 6:30 बजे उनकी मौत हो गई। आज प्रातः 8 बजे उनकी पत्नी थाने पर, उन्होंने बताया कि साहब उन्होंने आरोप लगाया था कि जो धर्मदास बाबा के आश्रम में लोग रहते हैं, प्रकाश यादव, नेमचंद यादव, लोगों की पिटाई की, इससे उनकी मौत हो गई है, हमारा मुकदमा लेके आवश्यक विधि कार्रवाई की जाए। थाने पर मुकदमा हम लोग दर्ज कर लिए हैं, नामजद व्यक्ति में से एक को हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, उनसे हमारी पूछताछ जारी है, पोस्टमार्टम हम लोग करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो भी तथ्य निकल के आते हैं तत्पश्चात हम लोग आवश्यक विधिक कार्रवाई करेंगे। R9 भारत के लिए ललित कुमार की रिपोर्ट मिश्रिक से।